वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहला स्टेप है 9.3 सेंटीमीटर हमको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देना है। ए बी इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। सेकेंड स्टेप यह है कि हमको ए बी को एक्सटेंड करना है सी तक, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है, 9.3 प्लस एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर, अभी ये टोटल हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस 10.3 का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ए के पास आपको आर्क हाफ से ज़्यादा रेडियस लेना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो हाफ से ज़्यादा, आप अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हो हाफ से ज़्यादा। एक बार ऊपर आर्क बनाना है, एक बार नीचे आर्क लगाना है, ठीक है। ए पे रख के पहले एक बार ऊपर आर्क और एक बार नीचे आर्क बनाना है, फिर आपको सी पे रख के एक आर्क ऊपर बनाना है और एक आर्क नीचे बनाना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की गलती होती है, वो बी पे रख देते हैं, बी पे नहीं सी पे रखना है, एक आर्क ऊपर बनाना है और एक आर्क 9.3 सेंटीमीटर के नीचे जो हमने ए पे रख के पहले बनाया था। वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पहले एक बार हमने ऊपर आर्क बनाया और एक बार नीचे, ठीक है। तो अभी आपको दोनों क्रॉस दिख रहे हैं, उन दोनों क्रॉस को स्केल से आपको जॉइन कर देना है। वो जो ए सी पे वो इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे हम नाम दे देंगे एम, ठीक है। अभी आपको ए एम जितना रेडियस लेना है और कंपास का सेंटर एम पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एम पे हमने सेंटर रखा हुआ है और ये पूरा हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। एम पे रखा था हमने सेंटर, ए एम जितना रेडियस लिया था, पूरा सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद बी के ऊपर एक लाइन खींच देनी है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। वहाँ पे डी नाम दे देना है जहाँ पे सेमी सर्कल पे वो इंटरसेक्ट करेगी। अभी इस लाइन को, जो ये ए सी लाइन है, उसको आगे एक्सटेंड कर देना है ताकि हम ये जो बी डी हमारा आंसर आ रहा है अंडर रूट 9.3 उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। ये एक्सटेंड कर दिया, उसके बाद आपको बी पे कंपास रखना है और बी डी जितना रेडियस लेना है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। बी डी जितना रेडियस लेके फिर वो आर्क ड्रॉ कर देना है जो नंबर लाइन पे पी पे इंटरसेक्ट करेगी। ये जो बी पी जो लेंथ हो रही है वही लेंथ कहलाती है रूट 9.3। थैंक यू।